अल्लाम everyone hope होप यू आर doing वेल well. आज का टॉपिक है हमारा अल्कोहल्स अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो हमारे पास अल्कोहल ईथेफिनोल्स एलडी हार्जन एंड टोन्स एट्सेट्रा बहुत से टॉपिक्स जो है वो अलग अलग पढ़े जाते हैं क्योंकि एक तो इनकी प्रप्रेशन होती हैं रिएक्शन होते हैं और क्लासिफिकेशन होती हैं इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं ताकि ईजिली इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है अल्कोहल्स का तो हाँ मैंने जो ट्राई किया है कि मैं अल्कोहल का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ इस वीडियो में प्रिपरेशन क्लासिफिकेशन और किस तरह से वो किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अल्कोहल अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ हाइड्रोक्सिल ओ फंक्शनल ग्रुप ऑन एन एलिफेटिक कार्बन आइटम अल्कोहल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है बिकॉज ओ एच इज़ द फंक्शन ग्रुप ऑफ ऑल अल्कोहल वी ऑफन रिप्रेजेंट अल्कोहल बाय द जनरल फार्मूला आर ओ एच वेयर आर इज़ एन अल्काइल ग्रुप alcohols are common in nature most people are familiar with ethyl alcohol ethanol the active ingredient in alcoholic beverages is this compound is only one of a family of organic compound known as alcohol the family also includes such familiar substances as cholesterol and the carbohydrates methanol ch3oh and ethanol ch3ch2oh are the first two members of the homologous series of alcohol Okay, and myopas homologous series my first two members are methanol and ethanol अल्काहल विद वन टू फोर कार्बन आइटम आर फ्रीकुनली कॉल्ड बाई कॉमन नेम्स इन विच द नेम्स ऑफ अल्काल ग्रुप इज़ फॉलोड बाई द वर्ड अल्काहल यानी कि आप जब आगे से नाम देते हैं तो आप ओयल लगा देते हैं मीठानोल इथानोल प्रोपेनोल तो ये जब ओल लगता है ना तो इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल का जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शन ग्रुप आपके पास होता है एलिफेटिक कार्बन आइटम में तभी आप उसको ओल का नाम देते हैं नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम अटैच टू द स्पेसिफिक कार्बन आइटम डेट इज़ अटैच टू द ओ एच ग्रुप अल्कोहल कैन बी ग्रुप्ड इन टू थ्री क्लासेस ऑन दिस बेसिस यानी कि प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है इज़ वन इन विच द कार्बन आइटम इन रेड विद द्रोप इज़ अटैच टू वन अदर कार्बन आइटम इन ब्लू इट्स जनरल फार्मूलाइज आर सी एच टू ओ एच यहाँ पे जो मतलब स्ट्रक्चर दिया है वो आपको बता रहे हैं कि जो कार्बन आइटम है हमने उसको रेड से शो किया है विद द ओ एच ग्रुप इज़ अटैच टू वन अदर कार्बन आइटम उसको हमने ब्लू में अटैच किया है यानी कि इसमें यह होगा कि आपके पास सिर्फ जो है वो एक ओ एच ग्रुप होगा तभी आप उसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के बाद अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल एंड एंड्रेशी अल्कोहल की बात करें तो इज़ वन इन विच द कार्बन आइटम इंड्राइड विद द ओ एच ग्रुप इज़ अटैच टू टू अदर कार्बन आइटम अच्छा इसमें क्या होगा मतलब कि आपको ये बता दें कि प्राइमरी में क्या होगा ओ एच जो होगा वो अटैच होगा सिर्फ़ एक कार्बन आइटम के ग्रुप से और सेकेंडरी में क्या हुआ ओ एच ग्रुप इज़ अटैच टू टू अदर कार्बन आइटम ठीक है स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ओ OH एच का जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो किसके साथ दो कार्बन आइटम के साथ अटैच है और अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक कार्बन आइटम के साथ अटैच है इसी तरह अगर हम टर्श्री अल्कोहल की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि ओ एच ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा थ्री अदर कार्बन आइटम से तभी आप उसको कह सकते हैं कि ये टर्श्री अल्कोहल है ठीक है तो आपने मेन डिफरेंस देख लिया कि फ़र्क क्या होगा कि ओ एच ग्रुप जो होगा हमारा अगर वो एक कार्बन आइटम के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी होगा अगर वो दो के साथ अटैच है तो वो सेकेंडरी होगा और अगर वो तीन के साथ या तीन से ज़्यादा तो हो सकता है तो हम उसको टर्शरी का नाम दे सकते हैं नक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के किस किस तरह से हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर होता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन यानी कि अल्किनस के, के हाइड्रेशन से हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हेल्ड्स अल्काइल हेल्ड्स के जब हम हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं उस तरह से रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट विद कार्बनल कंपाउंड कार्बनल कंपाउंड आपको पता है आपने पहले वीडियो में देखा था कि अल्डीहाइड्रोजन कीटोन कार्बनल कम्पाउंड होते हैं दोनों के पास तो हम उनको कार्बनल कंपाउंडस कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डीहाइड्रजन कीटोन यानी कि जब हम हम्डीहाइड्रेन कीटोन की रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास अल्कोहल आ सकता है रिएक्शन ऑफ आर

तो यहाँ पे मैंने आपके साथ इक्वेशन शेयर किया आप ये देख लीजिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या था हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हेलाइट्स यानी कि अल्काइल हेलाइट्स की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी हमारे पास अल्काहल आता है अब ये देखिए यहाँ पर अल्काइल हेलाइट है आर एक्स प्लस एन एच एन एच को हमने ऐड किया और साथ में हमने उसकी हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस को शो करने के लिए एच टू ओपर लिखा है एर के ऊपर और उसके बाद जो है वो अल्कोहल हमारे पास आ गया है और एन एक्स ठीक है यानी कि ये इक्वेशन ये बता रही है कि हमने अल्काइल हेलाइट्स की हाइड्रोलाइसिस की तो हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर हो गया ठीक है ये दो तरीके देख लिए अब हम तीसरा तरीका देखते हैं जो हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन ऑफ ट्रिग्नार्ट रिएजेंट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि वही मैंने बात की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात हो रही है यहाँ पे अब यहाँ पे देखें एल्डिहाइड को भी अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड की इक्वेशन uh, भी शेयर की और कीटोन की भी एल्डिहाइड जो है वो आर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या तो आर के साथ भी हो सकता है और एच के साथ भी हो रहा है तो क्या बन रहा है जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है अगर हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तो वहाँ पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन को अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी, भी आर एम जब उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं टर्शी अल्कोहल तो आपने ये जहन में रखना है कि जब भी Uh, किसी भी ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और जब कीटोन करेगा तो वो ट्रेश्री अल्कोहल बनाएंगे रिडक्शन ऑफ अल्डीहाइड्स एंड कीटोन जब हम अल्डीहाइड या फिर कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो भी हमारे पास जो है वो अल्कोहल आ जाता है अब यहाँ पर देखें हमने एसिटल यानी कि अल्डीहाइड को ही उसको लिया है एसीटल इसमें क्या किया हाइड्रोजन एच टू एड की और फिर जो है वो हमने कैटलिस्ट कौन सी यूज़ किए पी टी पी डी और एन आई यानी कि निकल तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया इथाइल अल्कोहल यानी कि जब हमने देखा कि हमने एसिटल डिहाइड की रिडक्शन की है तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनाए और जब हम एसीटोन यानी कि कीटोन की रिडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनाए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि जब हमने देखा कि हमने दोनों की रिडक्शन की है तो हमारे पास अल्कोहल फॉर्म हो रहा है तो ये भी हमारे पास एक तरीका आ गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का कि जब भी हम इनकी रिडक्शन करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ पी टी पी डी और एन आई ये जो कैटलिस्ट हैं इनको यूज़ करके और प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के तो ये अल्कोहल बन गए नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ आर एम जे एक्स विध ईस्टर्स आ जाते हैं यानी कि जब हम हस्टर्स को रिएक्ट करवाते हैं आर एम जे एक्स रिएक्शन से यानी कि ग्रिगनार्ट रिएजेंट से तो भी हमारे पास अल्कोहल बनते हैं अब यहाँ पे देखें मिथाइल फॉर्मेट मिथाइल फॉर्मेट क्या है हमारे पास ईस्टर है उसको हमने रिएक्ट करवाया ग्रिगनार्ट रिएजेंट से आर एम जे एक्स से तो क्या बन गया हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तो हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्जैलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स आ जाता है तो मैंने ऊपर आपको कार्बोक्जैलिक एसिड्स की इक्वेशन दिखाई है और नीचे मैंने आपको ईस्टर की दिखाई है कि दोनों के रिडक्शन में किस तरह से अल्कोहल फॉर्म हो रहा है अब यहाँ पे देखिए आप कार्बोक्जैलिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है लीथियम ए से और एच से तो फिर जो है वो क्या बन रहा है अल्कोहल बन रहा है और अगर हम इथाइल इथेनोइट को देखें जो कि ईस्टर है उसकी रिडक्शन देखें तो वहाँ पे वो एन के साथ रिएक्ट हो रहा है और सोडियम एसीटेट और अल्कोहल बना रहा है ठीक है तो इस तरह से जब भी हम कार्बोजैलिक एसिड्स की रिडक्शन कराते हैं विद यूजिंग कैटलिस्ट तो हमारे पास अल्कोहल बन जाता है यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सारी ख़त्म हो गई कि किस किस तरह से हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर होती है अब हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखते हैं ऑर्डर ऑफ़ रिएक्टिविटी जब हम अल्कोहल की देखते हैं तो हम दो तरीके से देख सकते हैं सी ओ बॉन्ड ब्रेक की और ओ एच बॉन्ड ब्रेक की तो सबसे सबसे पहले अगर हम सी ओ बॉन्ड ब्रेक की बात करते हैं तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है जब हमारे पास सी ओ बंड ब्रेक होता है एज दे हैव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेशन एडिमेड विद द सी ओ बंड ब्रेक्स सेकेंडरी अल्कोहल उसके बाद आता है और उसके बाद जो है वो प्राइमरी अल्कोहल आता है ठीक है जब मतलब आपसे अगर कोई पूछेगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बताएं जब सी ओ बॉन्ड ब्रेक होता है तो आप कहेंगे कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उससे कम हमारे पास सेकेंडरी होते हैं और उससे कम हमारे पास प्राइमरी होते हैं और जब हम बात करते हैं ओ एच ब्रॉन्ड ब्रेक की तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उससे बाद सेकेंडरी एंड देन लास्ट में हमारे पास टर्शरी आ जाता है मैंने यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ़ अल्कोहल आपके पास शेयर किए हैं इस फ्लो चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन में क्या क्या बनता है डिहाइड्रेशन में क्या क्या फॉर्म होता है और एस्टरीफिकेशन में क्या क्या होता है और इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो अब देखें अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जो के टू सी आर ओ सेवन से होती है तो अब यहाँ पर देखें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा और अगर हम उसको फर्थर ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो हमारे पास कार्बो एसिड बन जाएगा अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो आप तो आपके पास कीटोन बनेगा और अगर टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो आपके पास नो रिएक्शन यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा कुछ भी फॉर्म नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर ली हमने अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की कि अगर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन रिएक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर फो तो किस तरह से होते हैं अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो दो तरह से हमारे पास फॉर्म हो जाती हैं एक तो होती है एक्सेस आर ओ एच और एक होती है एक्सेस एच टू एस ओ फोर एक्सेस आर ओ एच जो होती है वो हमारे पास वन फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और वो क्या बन जाता है हमारे पास ईथर ठीक है आपने ये जहन में रखना है और फिर अगर हम एक्सेस एस एच टू एस ओ फोर की बात करें तो वो हमारे पास वन एटी डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटी होता है और वो क्या बन जाता है हमारे पास एल्कीन ठीक है मतलब डिहाइड्रेशन में आपके पास डिपेंड uh, करता है हीट आपकी कितनी सेंटीग्रेड से हो और क्या एक्सेस है और फिर आपके पास ईथर या एल्कीन बन जाता है ठीक है अब डिहाइड्रेशन की बात भी होगी अब तीसरा जो रिएक्शन आता है वो ईस्टरफिकेशन का आता है जो कि कार्बोक्साइलिक एसिड्स की मदद से होता है तो अगर आपका अल्कोहल का जो है वो इंस्टरिफिकेशन प्रोसेस हुआ तो क्या बनेगा हमारे पास ईस्टर ठीक है तो ये सारे रिएक्शंस मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट्स में आपको बता दिए हैं कि किसको आप फॉर्म करेंगे तो किससे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्लाइड जो मैंने आपके पास शेयर की है उसमें मैंने एक टेबल है उसको शेयर किया है उसमें ये है कि आपके पास एक तो होगा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला और दूसरा कॉलम है क्लास ऑफ अल्कोहल तीसरा कॉलम है कॉमन नेम फोर्थ कॉलम है आयोपिक नेम यानी कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर फार्मूलाज शेयर किए हैं अल्कोहल के ही उसमें मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं किस क्या कॉमन नेम है उनका और क्या आयोपिक नेम है उनका ठीक है आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल भी हैं सेकेंडरी अल्कोहल भी हैं ट्रेस्ट्री अल्कोहल भी हैं उनके कॉमन नेम भी हैं और आयोपिक नेम भी हैं तो इस टेबल से भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पूरा अल्कोहल का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वो ख़त्म होता है हमने प्रिप्रेशन देख ली हमने क्लासिफिकेशन देख ली हमने जो है वो रिएक्शन देख लिया है और किस किस स्ट्रक्चर फार्मूलाज होते हैं वो टेबल भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अभी भी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कुछ भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई विल ट्राई मैं बेस्ट के मैं जवाब दे सकूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा